अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी मुबारक एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नेस्ले नेस्वीटा। ये आज पाकिस्तान की 62nd एनिवर्सरी है। इन 62 सालों में पाकिस्तान ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है और डटकर उनका मुकाबला भी किया है। प्लीज वेलकम फातिमा सुरैया बजिया एंड जहनारा हाय। अस्सलाम वालेकुम जी, आबाद हो, खुश हो। क्या आपने तो उस एरा को और उस वक्त को और उसके बाद के वक्त को बहुत करीबी से देखा है, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। अभी आपको ये मोंटाज देखे, क्या यादें याद आती हैं? अगर मुझे वो सब कुछ याद ना होता मेरी बच्ची, तो मैं आज थोड़ी सी बीमार भी हूँ, मगर उसके बावजूद मैं इस प्रोग्राम में इसलिए आ गई कि तुम लोगों को भी जानना ज़रूरी है कि किन तकलीफ़ों और मशक्क़तों से गुजर के आज़ादी हमको नसीब हुई। जो स्ट्रगल हुई है वो तो हमारी आँखों में, घर जल गए, लड़कियाँ गायब हो गई, औरतें बेआबरू हुई, बूढ़े लोग मारे गए, बेघर हो गए लोग, और उसके बाद कहीं आज़ादी नसीब हुई है। जहानारा आपा, आप ये बताएं कि ये जो इंडिपेंडेंस है हमारी, आज जो हमें ये आज़ाद मुल्क मिला है, आपको क्या लगता है कि औरतों की तरक्की में इस इंडिपेंडेंस ने कितना रोल प्ले किया है? देखो, असल में औरतों की इंडिपेंडेंस और इमेंसिपेशन के लिए तो मेरे ख्याल से 1947 से पहले ही काम शुरू हो गया था। जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स थे, राइटर्स थे, मसलन सर सैयद अहमद खान बी अम्मा, और ये वो लोग थे जिन्होंने ये पहले ही महसूस कर लिया था कि जब तक औरतें मैदान में नहीं आएंगी कोई भी काम हो नहीं पाएगा। प्लीज वेलकम टुडेज नेस्वीटा वुमन ऑफ स्ट्रेंथ रिजा कुतेबा। हेलो रिजा, वेलकम टू द शो। वेलकम रिजा एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपके सामने दो बहुत बड़े नाम, सक्सेस स्टोरी, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देम, इसलिए जो सवाल पूछना है पूछें। औरतों का अभी इतना आप स्ट्रगल की इतनी बात कर रही थी और किस तरह ओवर द ईयर्स औरतों को कितना करना पड़ा, तो मैं कहती हूँ कि अभी भी यही मसला है कि औरतों को मौका तो मिल गया है लेकिन वो अपॉर्चुनिटी फिर भी नहीं मिलती कि वो तारुख इस्लाम का तो आवाज़ ही औरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लोगों ने पूछा कि जब आप पैदा नहीं हुए थे तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया था, फिर जब आप अपनी वालिदा के पास आए तो उनका भी इंतकाल हो गया, फिर आपके दादा आपके सरपरस्त बने उनका भी इंतकाल हो गया, तो आपका मोहसिन कौन है? तो आपका जवाब है मेरी मोहसिना खदीजतुल कुबरा। तो बेटा, औरत तो आलम इस्लाम की मोहसिना है। प्लीज वेलकम महरूश हैदर अली। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग टू आवर शो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी बहुत बहुत। अच्छा, आपके सामने आपके मेंटोर हैं, आपने इनसे क्या सवाल पूछने हैं? एनिमेशन के मैं कौन कौन सी कोर्सेज ले सकती हूँ? अब तो इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हो गए, इतनी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर स्ट्रेंथ इज, तुम्हें ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। प्रोफेशनल डिग्री से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, एक ग्रूमिंग आ जाती है, सो अप्लाई फॉर a proper degree, a course, and yakeen hai ki tum bahut acha kar logi. ye aaj hamara ek special show tha independence day ke liye. aap sabko hum sab ki taraf se ek baar phir jashn-e-azadi bahut bahut mubarak ho. aap hamara web address note kar lijiye, aap kabhi bhi hamare episodes us pe dekh sakte hain. hamesha hamare ho jasme दोनों जाके हमारे वॉल ऑफ फेम पे लगा सकते हैं। आज के हमारे बहुत स्पेशल शो पे वी हैव अ स्पेशल सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव अ मैन ऑन आवर शो। ही इज अ ब्रिलियंट सिंगर एंड यूथ आइकॉन एंड अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड। प्लीज वेलकम अहमद जासिम। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा,
तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। थैंक यू सो मच Emma, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। This is a token of appreciation for Rija. Rija, please. That brings us to the end of this show. Agle hafte phir milte hain. Till then, this is me, Aisha Khan, saying bye-bye. पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान हमारी जान, हमारी जान। सबसे पहले, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तानी। हमने अब ये है ठानी, वक्त की कदर है जानी, हम हैं पाकिस्तानी। जान अपनी कर दे।